पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अरविंद धाकर चक्राना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य मंत्री राठखेड़ा के विकास पर लगाए आरोप। पोहरी रेस्ट हाउस पर आज पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता अरविंद धाकर चक्राना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य मंत्री सुरेश धाकर राठखेड़ा के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यो पर लगाए आरोप। कांग्रेस नेता अरविंद धाकर चक्राना यही नहीं रुके, भाजपा के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री के द्वारा विकास कार्य न कराए जाने पर जमकर निकाली भड़ास। एक एक कर गिनाए उनके द्वारा की गई झूठे वादे। आगे कहा कि केवल बोरियां भरकर नारियल फोड़ने का काम करते हैं राठखेड़ा। मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र से भरे मंच से कहा था कि आने वाले चुनाव में अगर सरकुला डैम का काम पूरा नहीं करा पाया तो किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाऊंगा और चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। भाजपा ने जनता को झूठे सपने दिखाए। डबल इंजन की सरकार का पहिया पंचर हो चुका है। क्या आपका उद्देश्य? पहले तो मैं मीडिया को, सभी को, बैराड़ पौरी की, समस्त पौरी विधानसभा की मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आए उसके विरोध में जो पलटवार करना चाहता हूँ वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है, टिकट के दावेदारों की घोषणा होनी है। इस उद्देश्य में आपका भी लगातार आप क्षेत्र में पहुँच रहे हो, पार्टी में कार्य कर रहे हो और कई पदों पर आप कार्यरत रहे हो, ऐसे में आपकी क्या स्थिति बन रही है? पार्टी से आपके टिकट की कितनी संभावनाएं बन रही है और अगर आपको टिकट मिलता है तो उस स्थिति में क्या स्थिति रहेगी? देखो, मैंने जब से सदस्यता ली है लगातार क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, ये आपको भलीभांति है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि टिकट मुझे मिले या किसी भी भाई को मिले, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ, हमारा प्रत्याशी होगा आद का पंजा। जब हम क्षेत्र में जाएंगे तो मैं मीडिया के माध्यम से बीजेपी का जो भी प्रत्याशी होगा उससे ये सवाल जवाब करेंगे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा सरकुला डैम को लेकर, जो कि वर्तमान में जो राज्य मंत्री हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आपने भरे मंच पर जनता के बीच में बोला था कि 50% तक अगर काम भी नहीं हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा, तो आप ये जनता को क्या जवाब दोगे? दूसरी बात, आपने डबल इंजन की सरकार का हवाला दिया तो आपको आपका डबल इंजन का एक पहिया या तो पंचर हो गया या कमीशन कोरी के चक्कर में ये काम लेट हुआ है, ये मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको, जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आंकड़े ही सटीक बैठते हैं, हर बार पार्टी जाति, जैसे पिछली बार भी धाकड़ वर्सेस धाकड़ हुआ, क्या इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही धाकड़ से लग रही, तो इस बार आपकी कितने चांसेस लग रहे हैं? मैं इन बातों को तो बहुत कम मानता हूँ, लेकिन मेरा मानना होता है कि पौरी क्षेत्र में कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी आए, जाति को लेकर कोई समीकरण नहीं होते, ये तो सिर्फ क्षेत्र में कुछ चंद लोगों की वजह से ये समीकरण बनाए दिए जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि पिछली बार भी जब 2018 में चुनाव हुआ यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, पौरी से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, ना कि सुरेश राठखेड़ा जीते, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने माननीय कमलनाथ जी पर झूठे आरोप लगाए कि हमारी वो सुनते नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जनता ने आपको जिताया, आपने जनता के जनमत को बेचकर 35 करोड़ लेकर और आपने इस्तीफा दिया, आप पुनः उपचुनाव में आए, उपचुनाव में आपने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने झूठे वादे किए, जो गांव-गांव जाकर वादे किए। अब मैं आपको मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन वादों को आपने अभी तक पूरा नहीं किया तो आप किस माध्यम से जनता को कैसे जवाब दोगे, ये जनता ही जानेगी, ये जनता आपको जवाब देने के लिए बैठी। किन वादों के साथ आप जनमत के साथ उतरे हैं, आप क्षेत्र में पहुँचते हैं, आपके क्या वादे रहते हैं, किस मंशा के अनुरूप अगर लोग कांग्रेस को पसंद करेंगे? क्षेत्र में ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जो कि आज हर व्यक्ति के बीच में खड़ा है वो मुद्दा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तहसील में जाइए नामांतरण को लेकर तो गैर रिश्वत के नामांतरण नहीं होता, जनपद में जाइए हितग्राही को तो हितग्राही गैर पैसे के काम नहीं करा पाता, हॉस्पिटलों में जाइए तो प्रसूताएँ महिलाएँ जब डिलीवरी होती है तो गैर पैसों के काम नहीं होते, आप कहाँ जाओगे? भ्रष्टाचार, चारों ओर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, तो पौरी क्षेत्र में बीजेपी के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त 3 मंत्री होते हुए भी भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए, तो ये मैं इनको जवाब ये देना चाहता हूँ कि आप क्षेत्र में किस मुंह से जाएंगे, जनता जवाब देगी इसको।
आपकी संभावना जिस तरह से देखी जाए लगातार बढ़ती जा रही है और क्षेत्र में जिस तरह से आपके लगातार आप भी भ्रमण और तैयारियों में जुटे हुए हैं, ऐसे में अगर आपका टिकट नहीं होता या पार्टी नहीं करती है उस ओर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैंने आपको बता दिया, टिकट किसी भी भाई को हो, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ के पंजे के साथ क्षेत्र में जाऊंगा और कांग्रेस पार्टी का काम करूँगा। बातों को बताया गया है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में लगातार विकास कार्य, भूमि पूजन, लोकार्पण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, गांव-गांव रोड हैं और कई ऐसे विकास कार्य हैं वो बहुत लंबी लिस्ट है, इस तरह बीजेपी का सामने से कहना है, इसको लेकर आप क्या क्या कुछ? मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जेब में नारियल रख के चलते हैं, सिर्फ झूठे वादे जो गांव-गांव जाके कर दिए उनको जनता को गुमराह करके नारियल फोड़ दिए जाते हैं कि हमने ये काम को स्वीकृत कर दिया, बाकी और कोई काम नहीं। जब क्षेत्र में जाते हैं, मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन आप, ऐसा कोई दिन नहीं है, आज लगातार मैं एक साल से यहाँ का रिकॉर्ड नहीं करवाई, ये पौरी ताने का, बैराड़ ताने का, चर्च ताने का, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन चोरी वारदात की FIR नहीं होती। लेकिन आप ये बताइए कि कभी कोई कार्रवाई हुई है? चोर पकड़े जाते हैं तो बीजेपी के लोगों द्वारा फोन लगा के छोड़ दिए जाते हैं, चाहे वो चोरी का मामला हो, चाहे वो किसी का ताला तोड़ दिया हो, चाहे किसानों की फसल का चोरी हो गई हो। एक मिनट इसको काट दो यार, चोरी के मामले में आप देखिए तो दिना दिन भैंसों की चोरियां हो रही हैं, बकरियों की चोरियां हो रही हैं, किसी दुकान के ताले टूटे जा रहे हैं, किसी भी मकान के ताले टूटे जा रहे हैं, क्या कोई कार्रवाई हुई है? थाने पर देखो, अगर ऐसे तैसे किसी व्यक्ति द्वारा पकड़ लिया जाता है चोर और थाने पर उसको गिरफ्तार करवा देती हैं तो बीजेपी के व्यक्तियों के फोन आते हैं और छोड़ दिए जाते हैं। इस तरह क्षेत्र में लगातार चोरियाँ हो रही हैं। एक बात और भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, आप क्षेत्र में जाइए, छर क्षेत्र में जाइए तो रोड़ों की कितनी हालत ख़राब है, आप बमरा क्षेत्र में जाइए तो रोड़ों की बहुत बेकार हालत ख़राब है, आप नरवर बेल्ट में जाइए तो मुझे एक बात बताइए कि पूरे मध्य प्रदेश में PWD मंत्री, रोड मंत्री बौरी को दिया है तो आप अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पाए तो आप मध्य प्रदेश में क्या विकास करेंगे? और बात करते हैं कि विकास की, सिर्फ झूठा वादा, झूठे नारियल फोड़ना और कुछ नहीं। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं क्षेत्र में जब जाता हूँ तो हमारे पौरी विधानसभा क्षेत्र में जब गरीब लोग चर्च बेल्ट में, इतने गरीब लोग रह रहे हैं, बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं, कम से कम मैं ज़्यादा तो नहीं आकलन बता सकता लेकिन 5 से 10 हज़ार व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि बाहर पलायन कर चुके हैं। तो इस मुद्दे को लेकर कभी विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने मुद्दा उठाया है कि पौरी क्षेत्र में कोई ऐसा उद्योग धंधे, युवाओं को रोजगार मिल सके, मजदूरों को मजदूरी मिल सके, ऐसा कोई मुद्दा उठाया है? मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ी है और आप बात करते हो द्वारा चुनाव लड़ने की, ये तो जनता जवाब देगी आपको। कितनी मजबूती से आपने दावेदारी पेश की? अभी हाल ही में जो जन आक्रोश यात्रा में आपकी दावेदारी साफ दिखाई दे रही थी, इसके बाद अलग समीकरण दिख रहे हैं, उसके और क्या आपकी प्रतिक्रिया? ये तो मेरी तैयारी काफ़ी दिनों से है, मैं आज पहले से भी कांग्रेस पार्टी में, यूथ कांग्रेस में एक विधानसभा लेवल का चुनाव होता है उसमें, उस समय से मेरी टीम है, मेरी एक आज नई टीम नहीं है, मेरी पुरानी टीम है और पूरे विधानसभा में आज भी मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है, इसलिए मैं अपनी दावेदारी मैंने जन आक्रोश यात्रा में अच्छे प्रदर्शन करके किया। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।